गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी डिस्कस टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट. फर्स्ट ऑफ दैट इज अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ अ नॉर्म लीनियर स्पेस x एंड f इज बाउंडेड लीनियर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन x, देन शो दैट ऑपरेटर t फ्रॉम x टू x डिफाइंड बाय t ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू z फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x इज कॉम्पैक्ट. इसमें हमें क्या दे रखा है, z एक फिक्स्ड एलिमेंट है नॉर्म लीनियर स्पेस x का, f बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x पे. हमें क्या शो करना है कि जो ऑपरेटर t है x टू x, जो हमने कैसे डिफाइन किया है, t ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू z फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x, ये क्या है होगा, हमारा कॉम्पैक्ट होगा, ये हमें शो करना है. देखो इसका प्रूफ, सिंस f इज लीनियर, हमें f लीनियर गिवन है, f लीनियर होगा तो t भी क्या हो जाएगा, लीनियर, बिकॉज t ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू z. लेट xn बी एनी बाउंडेड सीक्वेंस इन x, xn सीक्वेंस बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा रहे हैं. देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म xm इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n. और हमें क्या गिवन है, f जो है वो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो मोड f ऑफ xn लेस देन इक्वल टू नॉर्म f नॉर्म xn. नॉर्म xn हम क्या दिखा चुके हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू m नॉर्म f फॉर ऑल n. दिस इंप्लाइज सीक्वेंस f ऑफ xn, जो सीक्वेंस है वो भी हमारी कैसी हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, क्योंकि जो f ऑफ xn जो हमारी सीक्वेंस बनेगी वो हमारी नंबर्स की सीक्वेंस आएगी, क्योंकि यहाँ हम फंक्शन f को जो है वो x के एलिमेंट्स पे अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है. एंड सिंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, सो वी गेट सीक्वेंस f ऑफ xn हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और वो जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आएगी उसको यहाँ हमने किससे डिनोट कर दिया, f ऑफ xn j से यहाँ हमने उसको डिनोट कर दिया, ठीक है. फिर देखो अब जो ये सीक्वेंस है f ऑफ xn j, ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है, जो किसको कन्वर्ज कर रही है, लैम्डा को कन्वर्ज कर रही है, से हमने मान लिया लैम्डा को कन्वर्ज कर रही है. इसका मतलब लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी t xn k इज इक्वल टू लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी t ऑफ xn k की यहाँ वैल्यू रखी, क्या वैल्यू जो हमने डिफाइन किया हुआ था, क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग, f ऑफ xn k इनटू z, एंड दिस इज इक्वल टू जो ये f ऑफ xn k या xn j जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करिए, लैम्डा को, तो ये क्या आ गया, लैम्डा इनटू z. इसका मतलब सीक्वेंस xn जो हमारी सीक्वेंस है, इट हैज अ सब सीक्वेंस xn k सच दैट t ऑफ xn k इज कन्वर्जेंट. तो यहाँ हमारे पास जो डेफिनेशन थी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर की, उससे t क्या हो गया, हमारा कॉम्पैक्ट हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट x and y be non-linear spaces and t from x to y be a compact linear operator. Suppose sequence xn converges to x weakly, then show that t xn is strongly convergent. जो sequence है वो strongly converge करेगी y में and has limit t of x. या second statement हम क्या कह सकते हैं, a compact linear operator transform weak convergent sequence into strongly convergent sequence. देखिए इसका proof, let yn is equal to t of xn and y is equal to t of x. हमें प्रूव क्या करना है कि y n converges to y strongly, ठीक है. नाउ फर्स्ट वी शो y n converges, सीक्वेंस y n है converges to y weakly. इसके लिए हम देखो क्या कर रहे हैं, लेट g बी एनी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन y. नाउ डिफाइन अ मैप f ऑन x as, कैसे डिफाइन किया कि f को अगर हम x के एलिमेंट से z पे लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है, g ऑफ t ऑफ z आ रहा है, वेयर z बिलोंग्स टू x. यहाँ f क्या है, हमारा फंक्शनल है. क्यों फंक्शनल है, क्योंकि f किसके इक्वल है, g ऑफ t ऑफ z के इक्वल है, ठीक है. नाउ हियर f इज लीनियर बिकॉज g एंड t बोथ आर लीनियर, एंड f इज बाउंडेड बिकॉज g इज बाउंडेड, एंड t बींग कॉम्पैक्ट वो भी क्या है, हमारा बाउंडेड है. सो f बिलोंग्स टू, जो ये हमारा f है वो किससे बिलोंग कर गया, x स्टार से बिलोंग कर गया. एंड सीक्वेंस x एन कन्वर्जिस टू x वीकली, तो ये हमें क्या इम्प्लाई करेगी, ये हमें गिवन था ना कि सीक्वेंस xn जो है वो x को वीकली कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस f ऑफ xn कन्वर्जेस टू f ऑफ x, और f ऑफ xn मींस बाय डेफिनेशन क्या बन गया, दैट इज g ऑफ t ऑफ xn कन्वर्जेस टू g ऑफ t ऑफ x, और t ऑफ xn को हमने किससे डिनोट किया था, yn से, और t ऑफ x को y से. इसका मतलब g ऑफ yn कन्वर्जेस टू g ऑफ y, मींस यहां से हम क्या कहेंगे, दिस मींस सीक्वेंस yn कन्वर्जेस टू y वीकली. अब हम क्या शो करेंगे कि सीक्वेंस yn कन्वर्जेस टू y स्ट्रॉन्गली, दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, नॉर्म yn माइनस y टेंड्स टू जीरो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी.
सपोज इट डजंट होल्ड, मान लिया रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा है. अगर रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सीक्वेंस वाई एन हैज अ सब सीक्वेंस वाई एन के सच दैट नॉर्म वाई एन के माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ईटा फॉर सम ईटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अगर ये स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बाई डेफिनेशन, इसका मतलब एक ऐसी सब सीक्वेंस जरूर आ जाएगी जिसके लिए वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा. नाउ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस वीकली, सो सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड. सीक्वेंस एक्स एन बाउंडेड है तो सीक्वेंस एक्स एन के मीन जो उसकी सब सीक्वेंस है वो भी क्या हो गई, बाउंडेड. और टी क्या है, टी इज कॉम्पैक्ट, देन टी ऑफ एक्स एन के हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. उस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को हमने किससे डिनोट कर दिया, वाई जे बार से डिनोट कर दिया. से वाई जे बार कन्वर्जेस टू वाई बार, देन वाई जे बार अगर y को कन्वर्ज कर रहा है तो वो कैसी कन्वर्जेंस है, वीकली कन्वर्जेंस है. बट वी नो दैट इफ सीक्वेंस xn इज वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ xn कन्वर्जेस वीकली टू x, क्योंकि वीक लिमिट जो है क्या होती है हमारी, यूनिक है. सो y इज इक्वल टू y बार, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस yj बार कन्वर्जेस टू y, दैट इज नॉर्म yj बार माइनस y टेंड्स टू 0 एज j टेंडिंग टू इन्फिनिटी. लेकिन ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई जो हमने assumption ली थी. तो इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस yn कन्वर्जेस टू y स्ट्रॉन्गली. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.